नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। कुक्षी शहर के नरीमन पॉइंट पर छोटे से परिवार में रहने वाली महिमा मिश्रा पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर छाई रही थी। धार जिले के मनावा तहसील के ग्राम बोरलाई में अफवाह के चलते गाँव वालों ने एक किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस समय इस 6 वर्षीय ननी सी बालिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया रहा। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया छोड़ने की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी। प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया कभी मत छोड़ना। इस प्रकार के वीडियो कुक्सी क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर वायरल हुए। वहीं आज जहां पूरा राष्ट्र कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे आह्वान में जहां पूरा देश एक दिखाई दे रहा है, उसी आह्वान का पालन करती हुई महिमा मिश्रा ने लॉकडाउन थाली बजाओ दीपक जलाओ अभियान का हिस्सा बनी है। कोरोना राहत राशि को लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए राहत राशि के लिए बिना घर से निकले नन्ही सी बालिका ने कुक्षी अनुभाग के तहसीलदार सुनील कुमार डावर को बालिका द्वारा घर आने का आमंत्रण दिया। नन्ही सी बालिका की आवाज़ सुनकर तहसीलदार द्वारा आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बालिका के घर पहुंचे और साइकिल खरीदने के लिए अपने गुल्लक के पैसे कोरोना राहत कोष में दिए। कोरोना की गूंज के कारण महिला ने कहा, ये पैसे कोरोना राहत कोष में दूंगी, साइकिल बाद में ले लेंगे। महिमा सत्येंद्र मिश्रा नरीमन पॉइंट कुक्षी द्वारा अपने गुल्लक की जमा राशि मई गुल्लक के दी गई है। आपदा राहत कोष में कोरोना वायरस संक्रमण के आपदा राहत कोष में प्रदाय की गई है। मैं इस बालिका को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस महिमा छोटी सी बालिका से अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित होकर ऐसे समय में इनका उत्साहवर्धन करने के साथ ही उनको भी प्रयास करना चाहिए सहायता हेतु अधिक से अधिक राशि सहायता कोष में जमा।